खबर मनोहर थाना से। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय मनोहर थाना में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बैंक, सरकारी पेट्रोल कंपनियां, LIC, BSNL अधिकारी सरकार कौड़ियों के दाम पर निजी कारोबारियों को भेज रही है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं व भविष्य में ही देश के लिए हानिकारक व ज्ञापन देने में ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद टेलर, सरपंच राशिद अली, दिनेश कुमार, फिरोज खान व अन्य युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। विरोधी सोच का परिचय देते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं सड़कों एवं रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और शिपिंग बंदरगाहों तक को चंद घरानों को भेजने को प्रयासरत है। जैसे श्री राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि जैसे जैसे सरकार निजी हाथों में सरकारी संपत्ति बेचेगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खत्म होते चले जाएंगे। जो सार्वजनिक क्षेत्र अब तक निष्पक्ष था, निजीकरण से इसमें एकाधिकार उत्पन्न होगा। युवाओं को जहां संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप रोजगार के अवसर मिल रहे थे, इस कार्यक्रम के पूर्ण होने पर ये सभी बंद हो जाएंगे। निकट भविष्य में राष्ट्र के लिए ये कार्यक्रम हानिकारक साबित होगा और आप सब निवेदन करते हैं कि हमारी बात को आप राष्ट्रपति तक पहुँचाए।